सेक्सुअल लाइफ ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, इसके बारे में बातचीत करते हैं। स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में अकेला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफी एग्जीक्यूटिव्स जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में है, कॉर्पोरेट्स में है, वो हमारे पास में आते रहते हैं और वो सेक्सुअल प्रॉब्लम लेके आते हैं। यूजुअली 30-35 साल की रेंज में रहते हैं और बड़े कंपनी में है, हाईली क्वालिफाइड है, बड़ी पोस्ट है, बड़े कंपनी में टारगेट्स है। सुबह 8 बजे या 7 बजे घर से निकलते हैं, रात को 8, 8:30, 9 बजे आते हैं। टारगेट्स में इतना प्रेशर है, काम का इतना प्रेशर है, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, पूरा दिन उसमें वो घुसे रहते अपने काम में और फिर थक के घर में आते हैं। आजकल ऐसा हो गया है कि कौन सी इंडस्ट्री में मंदी आ जाएंगी और कौन सी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, ये टेंशन हमेशा लोगों को रहता है। क्या मैं कल जाऊं तो मुझे फायर किया हुआ मिलेगा या मुझे कंटिन्यू करेंगे, मुझे ही मालूम नहीं रहता है। कब मेरे को बोलेंगे कि ठीक है, यू आर नो मोर रिक्वायर्ड इन द कंपनी, आपकी कंपनी में जरूरत नहीं, आप जा सकते हो और राजीनामा देके निकल जाओ, ऐसा कब बोलेंगे हमको मालूम नहीं। तो एक टेंशन रहता है। जिनकी नौकरी सिक्योर्ड है उनको काम का प्रेशर है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, बॉस का टेंशन है। बॉस कभी कभी जो है उनका वो बहुत गुस्से वाला, ऐसा कभी रिवेंजफुल एटीट्यूड वाला या कभी संतुष्ट नहीं होने वाला रहता है, तो वो बहुत नेगिंग करते रहता है नीचे वालों को, बहुत नेगिंग करेगा, बहुत तकलीफ देगा, टीजिंग करेगा, रैगिंग करेगा। और फिर वो सब टेंशन लेके यदि वो एग्जीक्यूटिव घर पे आता है, और घर में दो बातें हो सकती है, एक तो उसकी पत्नी जो है वो भी कोई कंपनी में नौकरी कर रही है और वो भी टेंशन लेके घर में आ रही है, या ये हाउसवाइफ है पूरी और दिन भर अब उसका दिमाग कुछ ना कुछ इसमें अपने इसमें चालू रहता है, टीवी देख इधर टाइम पास कर उधर टाइम पास कर उसमें, और घर में ये 8, 8:30 बजे आदमी आने के बाद में इसकी शुरू हो जाती है कि मेरे तरफ तुम देखते नहीं हो, मेरे तरफ आपका ख्याल ही नहीं है, आप तो काम में बिजी रहते हैं, वैसा वैसा फिर चालू हो जाता है। अब समझो वो थका हुआ है तो उसको क्या लगता है कि कम से कम सेक्स तो होना चाहिए ठीक, क्योंकि दिन भर अपन ने वाइफ के लिए कुछ भी नहीं किया और इच्छा नहीं होते हुए भी सेक्स कर लिया। समझो लोगों के दिमाग में क्या है कि एक बार फेल हो गया सेक्स करने में तो अभी बस खलास, सेक्स लाइफ ही खलास हो गया। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि एक बार फेल हो गया मतलब गया काम से। तो फिर समझो आज एक बार फेल हो गया, टेंशन है, प्रेशर है, रात को 9, 9:30, 10 बजे आ गया, बड़ी मीटिंग करके आया, प्रेजेंटेशन दे के आया और घर में आया और बाद में फिर वो फेल हो रहा है, तो वो अपना मुंह मतलब छुपा नहीं पाता, अभी करना क्या, बोलना क्या है कि फेल क्यों हो गया, क्या मैं आदमी भी नहीं रहा, क्या मैं पुरुष नहीं हूं। उसको दिमाग में अपने विचार चालू जाते, उसमें नींद नहीं लेता, दूसरे दिन काम को जाता है, वहां फिर टेंशन है, फिर आने के बाद में फिर वही है कि आज होऊंगा क्या, आज मैं सेक्स करूंगा कि नहीं करूंगा, और वो यदि विचार लेके जाता है, वो यदि प्रेशर दिमाग के ऊपर है तो भी फेल हो जाता है। अभी जो एग्जीक्यूटिव है वो इतना दिमाग में थका हुआ है, दिमाग इतना थका हुआ है, इतना प्रेशर है, टेंशन है बाहर उसके टारगेट्स के पीछे रह के, तो कोई भी दवाई लो, कोई एफ्रोडाइजेक लो, कोई स्टिम्यूलेंट्स लो, सेक्सुअल स्टिम्यूलेंट्स लो या कोई भी दवाई लो, वो कुछ काम नहीं आती। उसको काम में एक ही चीज आती है कि भाई रिलैक्स होना जरूरी है, ऑफिस का टेंशन घर पे लाने का नहीं है, वो अपने पत्नी के ऊपर डालने का नहीं है टेंशन पूरा लेके, रिलैक्स रहना है और रिलैक्स रह के मस्त बातें करना, मजाक करना, हंसी मजाक करो, खुश रहो और बाद में सेक्स करो। तो ये होता नहीं करके हमारे एग्जीक्यूटिव को बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और उसमें दोनों तरफ से है। यदि उसकी पत्नी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में है और वो भी थक के आ रही है तो फिर होता ही नहीं है। पत्नी घर पे भी है और हाउसवाइफ है तभी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दिन भर उसको काम ही नहीं है, कुछ बॉम्बे में रह रही, पुणे में रह रही है, कोई काम नहीं है, फ्लैट में अकेले अकेले टाइम पास कैसे करना मालूम नहीं है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चालू हो जाते हैं और फिर रात को दोनों के झगड़े। तो ऐसे इसमें ये देखना है कि भाई ऑफिस का टेंशन मतलब कंपार्टमेंटलाइज कैसा हम कर सकते हैं अपना लाइफ, वो कंपार्टमेंट अलग है, वहां का टेंशन घर पे नहीं, घर का जो टेंशन है घर का जो है वो ऑफिस में नहीं, पूरा रिलैक्स जब आदमी रहता है और सेक्स के बारे में पूरी जानकारी लेता है, सेक्सुअल लाइफ के बारे में पूरी जानकारी लेता है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम आएंगे नहीं। अदरवाइज बहुत ही ज्यादा टेंशन है, एंग्जाइटी है, तो एंग्जाइटी कम करने की दवा दे सकते हैं, सेक्स स्टिम्यूलेंट दे सकते हैं, जैसा मैंने पहले वीडियो में कहा है कि सिलदाना फील है, इटाडाला फील है, वरदाना फील है, तो दवाई देते हैं तो इससे काफी फायदा कभी कभी हो सकता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।